Audio Jungle. सुभाष नगर दिल्ली निवासी गौतम कोहली मर्डर केस में मृतक के परिजनों ने खरखोदा थाना में लिखित शिकायत दी और मनोज शौकीन नजफगढ़ निवासी पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने लिखित शिकायत पर कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। आइए जानते थाना अध्यक्ष खरखोदा का इस घटना के बारे में। अभी तक जिन्हें के फ्रुमपुर गांव में शव मिला है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई? दरअसल कल सुबह हमें सूचना मिली थी कि फ्रुमपुर से जो लोकी की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ एक युवक की डेड बॉडी पड़ी है। मौका पर जाकर चेक किया तो युवक के शरीर पर गोलियों के निशान थे। वारसान को सूचित किया गया, देर रात वारसान मौका पर पहुँचे हैं और वारसान ने हमें एक लिखित शिकायत दी है जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की गई। सर, जो मृतक युवक है उसको कितनी गोलियाँ लगभग मारी? प्रथम दृष्टा से उसके शरीर से 5 या 6 गोलियों के हमें शक है, फिर भी पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद इसकी स्पष्ट हो पाएगी। जो परिजनों ने शिकायत दी है सर, उसमें क्या आरोप लगाए गए, किस पर लगाए गए? दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक जो गौतम नाम का लड़का है उसका नजफगढ़ का एक मनोज शौकीन नाम का कोई युवक है, उसके साथ पैसों के लेन देन के लिए पहले से इन दोनों की कार में चली आ रही है। जिस संबंध में इनके करीब महीना भर पहले आपस में लोगों की कार सुनी थी, जिसमें पुलिस स्टेशन तक इनकी कंप्लेंट हुई है, जो बाद में लोगों का वहाँ कम्प्रोमाइज हो गया था। इसी चक्कर में मनोज ने उसी बात की रंजिश रखते हुए कल इस हत्या को अंजाम दिया, ऐसा परिजनों ने उसके ऊपर आरोप लगाए। तो अभी आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आज परिजन आए हैं और आईओ जो पोस्टमार्टम बोर्ड से करवा रहा है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।